हेलो बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक या टाइटल है हम बाजार गए। इस कहानी में एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाता है। तो चलो पढ़ते हैं, हम बाजार गए। मेरी माँ मुझे बाजार ले जाती है। बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से लोग हैं। कुछ लोग खरीदारी करते हैं, कुछ लोग बस देखते हैं। मेरी माँ क्या करेगी? पहले हम राशन की दुकान पर गए। माँ ने गेहूँ, चावल, चीनी और दालें खरीदी। हम राशन के लिए झोला साथ नहीं लाए, दुकानदार राशन घर भिजवा देगा। इसके बाद माँ सब्जी की दुकान पर रुकती है। मैंने पूछा, क्या तुम सब्जी खरीदोगी? माँ ने कहा, नहीं। सब्जी वाली चिल्लाती है, आओ आओ खरीदो, सब्जियाँ ताजी हैं। माँ यहाँ क्यों रुक गई? अरे ये तो तेल की दुकान है, दुकान में तेल की महक भरी है। माँ दुकानदार से शिकायत करती है, तेल बहुत महंगा है। दुकानदार को अच्छा नहीं लगा। अब हम मछली के बाजार में पहुँचे। कुछ लोग मछली की गंध पसंद नहीं करते। मुझे मछली बहुत अच्छी लगती है। देखो मछुआरे कैसे कपड़े पहनती है। क्या तुम्हें मोटी बिल्लियां दिख रही हैं? वे यहाँ बस आराम करती हैं। मछली खा खा कर मोटी हो रही है। हम दूध की डेयरी पर रुके। माँ ने थोड़ा घी और पनीर खरीदा। ये आइसक्रीम क्यों नहीं रखते? मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें क्या लगता है, मेरी माँ मुझे आइसक्रीम दिलाएगी? क्या तुम बर्तन खरीदोगी? मैंने माँ से पूछा। बर्तन वाले की दुकान में कोई नहीं है। जब कोई शादी या त्योहार होता है, लोग तब बर्तन खरीदते हैं। रुको। अरे माँ, इस दुकान में मत जाओ, मैंने जोर से कहा। मेरी माँ को कपड़े की दुकान अच्छी लगती है। दुकानदार उन्हें बहुत सी साड़ियाँ दिखाता है, लेकिन वह एक भी नहीं खरीदती। मुझे बस यही चाहिए था, खिलौने की दुकान। भालू कितना बड़ा है, मुझे ये स्कूटर चाहिए और ये खिलौना ट्रक। मैंने माँ से वादा किया, मैं केवल खिलौने छू कर देखूंगा। आज मैं खिलौने नहीं मांगूंगा, बस अपने जन्मदिन पर एक खिलौना लूंगा। ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो बच्चों बताइए, आपकी सबसे पसंदीदा दुकान कौन सी है? मिठाई की दुकान, कपड़ों की दुकान, खिलौनों की दुकान या स्टेशनरी के सामान की दुकान? कौन सी है आपकी फेवरेट शॉप? उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजेदार कहानियों के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। बाय बाय, टेक केयर।